फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ गार्लिक पराठा। ये पराठा स्पेशली बच्चों को बहुत पसंद आती है। पराठा बनाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले मैंने आटा लिया है। यहाँ मैंने 500 ग्राम आटा लिया और यहाँ मैंने 7 से 8 लहसुन की कलियाँ जो है वो बारीक काट के रख ली है, और साथ ही मैंने धनिया पत्ता लिया है, और मैं यहाँ पर बटर ली। यहाँ पे मैंने आटा का डो लगा लिया है। ये हम जैसे रोटी के लिए डो बनाते हैं, वैसे हम इसके पराठे के लिए डो बनाएंगे। बहुत ज़्यादा हार्ड, बहुत ज़्यादा नरम नहीं बनाना। ये हमारा आटा तैयार है। अब मैं एक लोई लूँगी, उसे गोल सर्कल कर लूँगी। हमें लोई बहुत ज़्यादा बड़ा और बहुत ज़्यादा छोटा लोई नहीं लेना, मीडियम साइज़ का हम लोई लेंगे। इसे देखिए, मैं इधर चकले पे ही इसे गोल गोल करके इसे रोटी की तरह बेलेंगे। वह पराठे का जो रोटी है वो बहुत ज़्यादा मोटा नहीं बनाना है, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए, मीडियम में बेलूँगी। मैं इसमें सूखा आटा लगाते रहूँगी। मैं इसका गार्लिक लच्छा पराठा बना रहा हूँ। तो मैं देखिए दोनों तरफ आटा ऐसे डस्ट कर लेंगे। अब हम इसे थोड़ा सा और बड़ा कर लेंगे रोटी को। ये देखिए हमारा रोटी, देखिए कितना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा पतला और बहुत ज़्यादा मोटा नहीं, एकदम मीडियम साइज़ में है। अब देखिए मैं इसमें जो बटर जो है मैंने मेल्ट कर लिया पहले से ही, उसमें गार्लिक जो है मिला लिया है। अब मैं इसे चम्मच के सहारे रोटी पे गिराऊंगी, उसे चारों तरफ स्प्रेड कर दूंगी, जिससे बटर और ये गार्लिक जो है चारों तरफ फैल जाएंगे। अब मैं साथ ही में इसके ऊपर थोड़ा सा धनिया पत्ता जो है वो स्प्रेड करूँगी, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डालूँगी और हल्का नमक डालेंगे, जिससे बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यमी लगेंगे पराठे। आप चाहो तो नमक जो है वो आटे के साथ ही गूंद सकते हो। मैं इस तरीके चारों तरफ फैला दूँगी अच्छे से। अब हम इसे फोल्ड करते हुए, देखिए मैं कैसे फोल्ड कर रही हूँ, ऐसे 1 2 3 करके फोल्ड करेंगे, जिससे ये लच्छा पराठा जो लच्छा जो है वो बहुत ही अच्छा और बहुत ही टेस्टी बनेगा। देखिए हमें ऐसे ही फोल्ड करना, एक के ऊपर एक ऐसे स्लिट बनाकर हम फोल्ड करेंगे। अब देखिए लास्ट वाले स्लिट को हम बंद कर देंगे। अब हम ऐसे इसे थोड़ा सा और लंबा खींच कर लंबा कर लेंगे और इसे गोल करके, देखिए इसे गोल कर लेंगे और इसके कॉर्नर को हम दबा देंगे, जिससे ये निकलेंगे भी नहीं और एकदम एक एक लेयर बन के निकलेगी। जब हम पराठे को सेकेंगे तवे पे तो उसका देखिए एक एक लेयर निकलेगा। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं, गोल 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 गोल। अब हम इसमें थोड़ा सा आटा डस्ट करेंगे, आटे में डिप करके अब हम इसे बेल लेंगे। ये पराठा स्पेशली बच्चों को बहुत पसंद आती है। इसे आप लंच बॉक्स में, टिफिन बॉक्स में ले जाके बच्चों को दे सकते हैं, ऑफिस में ले जा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही हेल्दी पराठा है और झटपट ये पराठा बन जाता है। देखिए मैंने पराठा बेल लिया है, अब हम इसे तवे पे रखेंगे। मैंने तावा जो है पहले से गर्म होने के लिए रख दिया है। अब देखिए मैं इसे दूसरी तरफ पलट दूंगी, दूसरी तरफ पलट कर इसे सेकेंगे। अब मैं इस पराठे के ऊपर मक्खन लगा रही हूँ, बटर लगा रही हूँ। आप चाहो तो देसी घी भी लगा सकते हो, तेल लगा के भी फ्राई कर सकते हो, लेकिन बटर लगाने से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। देखिए ये कितने अच्छे तरीके से सीख गए, कितने क्रंची लग रहे हैं। अब देखिए हमारा पराठा बन के रेडी है। इसे आप सेजवान सॉस के साथ, ग्रीन चटनी के साथ, धनिया पत्ता और पुदीने की चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही यम्मी पराठा है। ये देखिए पराठे जो है एकदम अच्छे तरीके से सीख गए हैं। मैं इसके ऊपर थोड़ा सा बटर ऐड करूँगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये पराठा कैसा लगा, और इसे घर में ज़रूर एक बार ट्राई करें। साथ ही में बेल आइकन को हिट करें, जिससे आगे आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।